देखो काफी दूर से आ रहे हैं। अभी भाई अगर रोड खाली रहा ना तो पार भी कर देगा। व्हीलिंग के साथ ही शुरुआत होगा लग रहा है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे भाई लोग। और फिलहाल तो आ चुके हम अपने होम टाउन लोहरदगा पे, और भी अचानक आना पड़ा। तो वैसे भी आज संडे है भाई, तो संडे तो हम सोचे थे रांची में होते तो पतरातू राइड चलते, बट वहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाया, हमको अचानक से लोहरदगा आना पड़ गया। तो फिर यहाँ पे संडे राइड हम लोग जा रहे हैं। तो वैसे भी बहुत दिन से हम लोग स्टैंड पॉइंट गए नहीं थे भाई लोग, तो आज हम लोग स्टैंड पॉइंट की तरफ चल रहे हैं। बोले हम नहीं गए थे भैया लोग, तो जाते रहता था। लग रहा व्हीली करेगा। तो एक भाई का कमेंट भी आया था भैया कि आप व्हीली करो, तो भाई मेरे पास ऐसा बाइक है कि हम इसमें व्हीली नहीं कर सकते हैं, बस आप लोग को व्हीली दिखा सकते हैं अगर कोई और करता है तो। जैसे कि सचिन भैया कर रहे हैं तो आप लोग व्हीली देख सकते हो, हम तो नहीं करते हैं और हमको आता भी नहीं है व्हीली करना, और इस बाइक पे होगा भी नहीं मेरे से भाई। अरे बस कर भाई, कहाँ ले जाएगा देख। तो भाई प्लान तो था बगड़ू हिल स्टेशन तरफ जाने का था, बट फिर अचानक से फिर उधर का भी प्लान कैंसिल हो गया। तो फिर अभी हम लोग जा रहे हैं नदी की तरफ, जो आप लोगों ने देखा ही होगा, जो हमेशा हम लोग जाते हैं। यहाँ पे रास्ता अभी तक ठीक नहीं हुआ है, बच्चे का रिएक्शन। तो बॉयस हम अपना हेलमेट ले चुके हैं, न्यू एक्जोर का हेलमेट, एपेक्स सीरीज वाला। तो आप लोगों को ये हेलमेट भी दिखाएंगे, कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताना, और हो सके तो अपना छोटा सा मोटो ब्लॉग सेटअप भी दिखा देंगे आप लोगों को। तो आज न्यू हेलमेट में पहली बार मोटो ब्लॉग हो रहा है, तो आवाज़ कैसा आ रहा है आप लोग कमेंट करके बता देना भाई, क्योंकि न्यू हेलमेट में फिर न्यू जगह फिर से इसको ट्राई किए हैं, और इस बार फिर अगर अच्छा नहीं आता है तो फिर से इसको दूसरे प्लेस पे रखना पड़ेगा। तो आज पुल तरफ नहीं गए बॉयस, उधर से जब आएंगे उस टाइम चलेंगे पुल ब्रिज तरफ। और फिलहाल जाते हैं भाई इधर, आप लोगों को तो पता ही है कि इधर का रोड बंद रहता है। तो जितने भी हमारे होम टाउन लोहरदगा के भाई लोग हैं सबको पता चल चुका है कि भाई यहाँ पे स्टंट होते रहता है हल्के पुल का। तो सबको यहाँ पे, और एक स्कूटी वाले भाई भी यहाँ पे आके कर ही रहा है, बच्चा लोग सब पहुँचा हुआ है भाई साहब। तो बॉयस अब हम लोग आगे चले यहाँ पे, क्योंकि रास्ता थोड़ा सा स्ट्रेट है, पूरा सीधा है, तो यहाँ पे करने में भी ठीक लगता है। व्हीली टाइम के बाद आप लोगों को व्हीली देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई लोग का कमेंट भी आ रहा था कि व्हीली भैया व्हीली, और हमको आता नहीं है भाई, तो हम दूसरा पे का व्हीली ही दिखा सकते हैं। व्हीली ले मारी है क्या? अरे इसमें होगा भी नहीं व्हीली। तो भैया मेरा बाइक लेके गया भाई टेस्ट ड्राइव के लिए। कितना सेक्सी लगता है भाई कोई चलाता है तो। हैंडल आप ऐसे कर दिए, बहुत मस्त। अरे खतरनाक लग रहा है जी आपका में तो। लाओ ना चला के। कितना कितना लगता है गियर आपका? जो है वही ना। अरे ऐसा बोल पूछ रहा है। हैंडल हल्का उठा दिए है ना, तो थोड़ा सा बहुत मत ना स्पोर्ट टाइप लग रहा है। देख रहे हो यार यहाँ पे कितना सारा पब्लिक जमा हो गया भाई, खतरनाक भीड़ हो जाता है यहाँ पे। सो बॉयस यहाँ पे वैसा माहौल क्रिएट नहीं हो पाया, सारे भाई लोग वापस चले गए थे, तब हम लोग भी वापस चले भाई। बस रील्स चलो जैसे, बस रील्स वगैरह शूट हुआ है। नहीं होगा इससे। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं बॉयस, और अब आगे चले देखते हैं कि आगे उधर टाउन तरफ चलते हैं, पब्लिक लोग का रिएक्शन लेते हैं भाई। तो बॉयस ये है न्यू पुल भाई लोग, आप लोगों को पता होगा हम हमेशा आते थे भाई, और अभी सनसेट होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम है भाई, और क्या ही सेक्सी लग रहा है आगे का व्यू, मस्त लग रहा है। और अपना रील्स भी बन रहा है, तो सचिन भैया रील्स बना दे रहे हैं। वैसे देखो भाई हम अकेले रहते हैं, ज़्यादातर बाइक का रील्स बनाते हैं भाई। और आप लोगों को रील्स चेकआउट करना है तो फिर इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना भाई, उसका आईडी आप लोगों को मिल जाएगा। क्या ही मस्त लगेगा रील्स, हमको आज पता है, क्योंकि और टाइम हम कभी वैसा बनता नहीं है, क्योंकि हम सोलो रहते तो ज़्यादातर बाइक का ही रील्स बनाते हैं भाई। तो इस बार काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। तो भाई साहब अपनी रील्स हो चुका है, और उसका एडिट करना बाकी रहेगा अपने को। तो कैसा संडे था ना, तो सुबह में भी प्लान यहाँ पे बना हुआ था भैया लोग के साथ कि आज जो भगड़ू तरफ चला जाए, बट थोड़ा सा नहीं हो पाया भाई, क्योंकि सारे कोई पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अभी भी प्लान था कि बगड़ू साइड ही चले, क्योंकि हम तो अकेले जाने वाले थे, बट फिर भाई लोग बोला कि नहीं आज इधर ही चलते हैं नदी के तरफ, तो फिर इधर ही आ चुके थे। और इधर आने के बाद फिर सारे कोई फिर वापस चला गया भाई। अब गोप्रो रिकॉर्ड कर रहा है कि नहीं, हमको दिखता भी नहीं है। जो हमारा पुराना जो हेलमेट था, तो पुराना वाला हेलमेट था कि वो थोड़ा सा उसमें हमको दिख जाता था, उसका एंगल थोड़ा सा ऊपर था, और इसमें भाई पता ही नहीं चल रहा है रिकॉर्ड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो जल्दी से हमको इसमें मिरर लगाना पड़ेगा बाइक का, ताकि हम मिरर रहता था तो अरे भाई साहब यहाँ पे रोड यार, तो बॉयस मिरर रहता था तो हमको पता चल जाता था, मिरर में देख लेते थे। और अभी तो भाई ऐसा प्रॉब्लम हो चुका है कि मिरर है भी नहीं, और हमको पता भी नहीं चलेगा कि रिकॉर्ड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। और भाई हमारे एरिया में थोड़ा सा रोड प्रॉब्लम है भाई, अभी इधर बन ही रहा है बीच बीच पे, और अचानक से कहीं कहीं पे गड्ढा है और कहीं कहीं पे बम्प है। यहाँ पे भी थोड़ा सा ख़राब है ना रास्ता, वहाँ पे लोग फिर से उसका एक लेयर उसमें उसके ऊपर लगा दिया है ना, जिसकी वजह से बम्प हो जाता है। देखो फिर से ड्रीम बाइक दिख चुकी है अपनी। तो फाइनली बहुत फ्यूल अप हो चुका है, अब आगे चला जाए। और हम अपने हेलमेट का वाइजर पे स्मोक रैप करा देंगे, सोच रहे हैं भाई। कहाँ गया था देख के क्या लग रहा है, आगे तरफ देखा नहीं चल रहा है। हाँ कहाँ गया, कहाँ था? अरे भाई साहब ट्रैक्टर वाला भाई घुसा दिया रे बाबा। यहाँ पे इतना खतरनाक वाला भीड़ रे बॉस। अरे 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 स्केट करा रहा है भाई। तो अभी कुछ कुछ भाई लोग हम लोग साथ और जुड़ चुके हैं, तो वो लोग पीछे से आ रहा है भाई। और चलते हैं आप लोगों को सिटी में, रिएक्शन दिखाते हैं पब्लिकों का। अभी से ही रिएक्शन मिलना स्टार्ट हो चुका है भाई, क्योंकि देखो ऐसा है कि हमारे एरिया में बहुत कम ही कोई को पता होता है गोप्रो वगैरह के बारे में। लड़का लोगों को तो पता है, बट जो अंकल लोग होते हैं वो लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं भाई। तो हमारे एरिया में ऐसा है ना, हमारे होम टाउन पे, कि आप इधर खुले में राइड करने के लिए बस एक ही प्लेस है भाई, वो भी हम लोग का बगड़ू हिल। बस उधर राइड कर सकते हैं, उधर भगा भी सकते हैं बाइक को। बट इधर ऐसा है ना कि इधर ट्रैफिक ही रहता है भाई, जगह जगह पे भीड़ रहता है, तो इधर हम लोग बाइक नहीं भगा सकते हैं। बस इधर स्लो राइड कर सकते हैं, बस राइड का मज़ा ले सकते हैं इधर। और बगड़ू हिल वाले रास्ते में जाते हैं भाई, तो आप लोगों को पता है भाई कि उधर पूरा रास्ता खाली रहता है, और उधर भगा भी सकते हैं बाइक को। तो प्लान तो था कि बगड़ू हिल ही जाने का, बट पॉसिबल नहीं हो पाया भाई। तो कोई नहीं, नेक्स्ट बार चला जाएगा बगड़ू हिल के तरफ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है उधर गए नहीं थे। पिछला ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा, तो उसके बाद से फिर हम गए ही नहीं है भाई। तो ये हम लोग का रहा चौक भाई, यहाँ का मेन चौक आप बोल सकते हो इसको यहाँ पे। अरे चचा लोग, और यहाँ पे विदाउट हेलमेट चल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। बस कभी कभी चेक होता है, नहीं तो फिर नहीं होता है। और इधर का रोड थोड़ा सा ठीक ठाक है इधर। अरे एग्जॉस्ट का भाई आवाज़ आ रहा है। अपनी बाइक में भी पावर है भाई, अब धीरे धीरे मुझे पावर फील हो रहा है इस बाइक का। अभी ज़्यादा दिन लिया हुआ ही क्या है भाई, 3 महीना हुआ है। 3 महीना में क्या ही बाइक को जज कर पाएंगे। अरे और देख मेन रोड पे भी व्हीली कर रहा है भाई। पब्लिक रिएक्शन देखो आप, यहाँ से झाँक के देख रहा है। अरे चचा झाँक के देख रहा है। तो अभी का टाइम गाइस 6:35 हो चुके हैं, और अभी देखो ज़्यादा अंधेरा हुआ नहीं है, क्योंकि आजकल ऐसा है कि ज़्यादा अंधेरा होता नहीं है। भाई लोग का खुशी देख रहे हैं, सब एक बार पलट के देख ही लेता है बॉस। देख रहे हो आप यहाँ पे पूरा कितना ट्रैफिक है, उसमें भी व्हीली कर रहा है भाई। मतलब उतना कंट्रोलिंग हो गया ना भैया का, क्योंकि काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, लगभग 2017 से तो पूरा कंट्रोलिंग हो चुका है। और बस बाइक आने का वेट है, पता नहीं कब आता है बाइक। अरे चचा देख के निकलो रे भाई। भाई गोप्रो लेके निकलने से ना ऐसा ही होता है भाई, कोई ना कोई कंटेंट नज़र आ ही जाता है। ऐसा लगता है कि अब डेली हम सिटी पे राइड करें, डेली ब्लॉग बनाएं, बट डेली पॉसिबल नहीं हो पाता। भाई सोना भी है, अपना पर्सनल लाइफ भी देखना है। और भैया पूरा व्हीली पे व्हीली देते आ रहे हैं, आप लोग को दिखाते हैं बॉयस। और यहाँ पे एक रॉयल एनफील्ड का शोरूम है, बट हम यहाँ से लिए नहीं। देखो काफ़ी दूर से आ रहे हैं। अभी भाई अगर रोड खाली रहा ना तो पार भी कर देगा। तो पब्लिक रिएक्शन खतरनाक मिल रहा है बॉयस। क्या ही मज़ा आ जाता है भाई, अपने एरिया का मज़ा ही कुछ अलग है। तो भाई सभी हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए, और देखो काफ़ी अंधेरा हो चुका है भाई। अभी के लगभग टाइम हो गए हैं, 7 बज चुके हैं और अंधेरा हो चुका है हल्के हल्का। पर गोप्रो में भाई पता नहीं चलता, आप लोग तो पिछले बार भी गोप्रो में पता नहीं चल रहा था भाई, कमेंट किया था भाई। अभी तो दिन ही नज़र आ रहा है, तो भाई टाइम भी देख लेना भाई। अभी के देखो 7 बज रहा है घड़ी पर भी, और अंधेरा हो ही जाता है भाई, और गोप्रो पे नहीं पता चलता है। तो हम लोग वापस चले बॉयज, और थोड़ा सा बाइक को भगाया जाए। पावर है बाबा, पावर तो है, अपनी बाइक पे भी पावर है। तो सॉरी बॉयस, हम सोचे थे कि 3 दिन के गैप पे वीडियो डालें, बट इस बार 1 दिन लेट हो चुका है भाई। तो थोड़ा सा बिजी भी थे, और अपने होम टाउन अचानक से हम आ गए ना, तो जिसकी वजह से मेरा रूटीन गड़बड़ा आ गया भाई। तो कोई नहीं, अब से फिर से हम सुधारने की कोशिश करेंगे। मतलब 3 दिन के गैप पे हम वीडियो अपलोड करें आप लोगों के लिए। चलिए ठीक है, फिर जाते हैं ना। ठीक है, कल मिलते हैं, कल शाम में। तो चलो बॉयस, भाई लोग को बाय बोल चुके हैं, वो लोग जा रहे हैं। हम भी अपने घर चले, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका है बॉयस। देखता भी नहीं है भाई, क्रॉस कर रहा है। तो आई होप गाइस आज का ब्लॉग आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा भाई। तो चलो फिर मिलते हैं भाई लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।